अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज हाशमी और ये है टोयोटा एक्वा 2018 मॉडल। टोयोटा एक्वा टोयोटा की एक हाइब्रिड कार है जो कि 2011 में लॉन्च की गई थी दिसंबर में जापान में, और 2013 में ये गाड़ी अवार्ड विनिंग कार रही है जापान की। 2013 से लेकर 2015 तक ये गाड़ी टॉप सेलिंग कार थी जापान में, और इसकी टॉप सेलिंग होने की मेजर वजह जो थी वो इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन परफॉर्मेंस है। इस गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली ज़बरदस्त है इस गाड़ी के लिहाज से, और उसके अलावा ये गाड़ी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार फॉर फैमिली और इवन यंगस्टर्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार, इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी डिसेंट सा है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड मोस्टली प्लास्टिक में है जो कि इस गाड़ी के डैशबोर्ड को थोड़ी सी चीपर लुक देती है। उसके अलावा अगर इस गाड़ी की स्टीयरिंग की बात की जाए तो इस गाड़ी में फोर स्पोक स्टीयरिंग आता है। ये स्टीयरिंग प्रियस के स्टीयरिंग से काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर ये सिल्वर कलर की गार्निश दी गई है। उसके अलावा बाकी स्टीयरिंग सारा लेदर की फिनिश में है। सेंटर वाला पैनल भी प्लास्टिक में है और यहाँ पर एक एयरबैग माउंटेड आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पर हमारे पास जो कंट्रोल है ये एंटरटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं डिफरेंट, जिससे वॉल्यूम अप डाउन या ट्रैक नेक्स्ट या रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये मोड सेलेक्ट करने का बटन है हमारे पास। राइट पर जो डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हमारे पास, ये टेम्परेचर कंट्रोल हैं गाड़ी के, टेम्परेचर यहाँ से आप स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्रिप और डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं। एक्वा में ट्रेडिशनल टोयोटा की हाइब्रिड कार्स की तरह मीटर एक्वा में भी सेंटर में ही आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो ये डैशबोर्ड के सेंटर में माउंटेड है और ये आपको काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें शो कराता है, जैसे कि इस गाड़ी की स्पीड जो कि डिजिटल है, इस गाड़ी में डिजिटल स्पीडोमीटर आता है। उसके अलावा पी आर एन डी इस गाड़ी के डिफरेंट गियर्स। उसके अलावा लेफ्ट पर ही आपको गाड़ी की हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि इको, पावर या चार्ज। और उसके अलावा इस गाड़ी के ट्रिप्स इंडिकेट करती है ये स्क्रीन, लेफ्ट पर जो दी गई है ट्रिप ए, ट्रिप बी। उसके अलावा इस गाड़ी का ऑडोमीटर और इस गाड़ी की टोटल किलोमीटर पर लीटर एवरेज। उसके अलावा इस गाड़ी की क्लॉक आ रही है और ये ऊपर बैटरी का साइन दिया गया है, ये आपको बैटरी शो करा रहा है कि बैटरी कितनी रह गई इस गाड़ी की। उसके अलावा डिफरेंट मोड्स जैसे कि ईवी, पावर या चार्ज। लेफ्ट पर आपके पास काफ़ी सारी डिफरेंट ये लाइट्स दी गई हैं जो कि आपको गाड़ी के बारे में इंडिकेट करती हैं कि एरर की या एयरबैग्स वगैरह की। इस गाड़ी में टोटल दो एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग में माउंटेड है, उसके अलावा डैशबोर्ड में माउंटेड है। इस गाड़ी में टोटल चार एयरबैग्स आते हैं, दो सेंटर डैशबोर्ड में, उसके अलावा एक पैसेंजर के लिए और एक ड्राइवर के लिए। एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी इंटरेक्टिव है जिसके कंट्रोल्स आपके पास स्टीयरिंग पर दिए गए हैं, तो आपको ड्राइविंग करते हुए भी कोई मुश्किल नहीं होगी इसको एक्सेस करने में। बट पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ जो एक इशू है वो ये है कि ये जापानीज़ में है, तो पाकिस्तानी मार्केट में हमें इसको यूज़ करने में काफ़ी मुश्किल होती है। बट स्टिल इट्स देयर, इस गाड़ी में ये वर्किंग में है, कुछ गाड़ी में वर्किंग में भी नहीं होता। बाकी इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं जैसे कि ब्लूटूथ डिस्क, उसके अलावा एसडी कार्ड, एफएम वगैरह। बिल्टन दिए गए फीचर्स के थ्रू आप इसको अपनी मर्जी के लिहाज से व्यूइंग एंगल के लिहाज से आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा व्यूइंग एंगल कंफर्टेबल है, लाइक दिस। उसके अलावा इस गाड़ी क्लॉक को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपके पास यहाँ पर एक हेजर का बटन। उससे अगर हम नीचे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल है जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, फैन स्पीड लो ये ज़्यादा। उसके अलावा इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, आप इस गाड़ी के टेम्परेचर को एक टेम्परेचर पर सेट कर दें तो ये गाड़ी उस टेम्परेचर के लिहाज से इस गाड़ी के कैबिन के क्लाइमेट को एडजस्ट करेगी ऑटोमेटिकली। उसके अलावा डिफरेंट मोड्स का बटन, आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि हवा कहाँ से बाहर आएगी और ये गाड़ी के कैबिन के अंदर की हवा। ये रेयर डिफॉगर और ये फ्रंट डिफॉगर। ये एक TFT डिस्प्ले है जो कि आपको शो कराता है कि आपकी टेम्परेचर का टेम्परेचर क्या है। उसके अलावा डिफरेंट मोड्स या गाड़ी की फैन स्पीड वगैरह। लेफ्ट पर हमारे पास यहाँ पर ये एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और ये एक ऊपर ग्लव बॉक्स जो कि ओपन ही है। उससे अगर हम पीछे आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पर आप कोई फ़ोन वगैरह रख सकते हैं आगे इधर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो कप होल्डर हैं जो कि एक थोड़ा टिल्टेड एंकल पर। उससे अगर हम पीछे आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर ये गियर पैनल है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का गियर पैनल क्रोम में आता है और उसके अलावा इस गियर पैनल के ऊपर भी यहाँ पर एक ये ब्लू कलर के प्लास्टिक दिया गया है जो कि इसको क्रिस्टल टाइप की लुक देता है। इस गाड़ी में गियर्स आते हैं पी आर एन डी और बी। बी स्टैंड फॉर ब्रेक। अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं और आप डाउनहिल जा रहे हैं तो आप बी में कर दें तो आपके इंजन खुद ब खुद ब्रेकिंग करेगा। उससे अगर पीछे आ जाए हमारे पास सेंट्रल कंसोल में तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए। ये ईवी मोड मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी मोड में आप गाड़ी को 60 की स्पीड तक लो स्पीड में आप इलेक्ट्रिक मोटर पर चला सकते हैं विदाउट इंजन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये इको मोड है
जिससे आप गाड़ी की एवरेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी इको मोड में है तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी एसी की परफॉर्मेंस को लो करके, उसके अलावा थ्रॉटल रिस्पांस को भी लिमिटेड कर। उससे पर हमारे पास यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ऑन ऑफ करने का। उसके बाद हमारे पास इससे पीछे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आपकी कार वगैरह रख सकते हैं, और ये ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक, इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं आती। उससे पीछे हमारे पास यहाँ पर ये कप होल्डर दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक ही कंटिन्यू की गई है। होंडा फिट में इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दी गई थी, जो कि यू नो एक और अच्छा फीचर है, बट स्टिल कुछ लोगों को ये नहीं पसंद आता। उसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं, टू टोन में, ब्लैक और ब्लू। इस गाड़ी का इंटीरियर ब्लू थीम फॉलो करता है। सीट के सेंटर में भी ये ब्लू कलर दिया गया है। उसके अलावा ये डोर पैनल्स में भी, डैशबोर्ड में भी। इस गाड़ी की रूफ फैब्रिक फिनिश में आती है, और इस गाड़ी में वैनिटी मिरर्स आते हैं दोनों ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा सेंटर में ये कैबिन लाइट्स दी गई हैं दो, जिनको आप इस बटन से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा एक सेंटर में भी कैबिन लाइट दी गई है। इस गाड़ी में स्टीयरिंग भी टेलीस्कोपिक आता है। स्टीयरिंग के नीचे लगे हुए इस लेवल को पुश कर आप उस गाड़ी के स्टीयरिंग को ऊपर नीचे आगे या पीछे कर सकते हैं अपनी हाइट के लिहाज से। कंट्रोल ड्राइवर की राइट साइड पर लोकेटेड है। सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक है, बाकी तीनों विंडोज मैनुअल हैं। ये गाड़ी के लॉक अनलॉक के बटन्स, और उसके अलावा ये गाड़ी के विंडोज लॉक अनलॉक का बटन। डोर्स में यहाँ पर एक्चुएटर दिए गए हैं इस गाड़ी के, और उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये हेडलाइट के कंट्रोल्स, कि आप लाइट को लाइट लेवल ऊपर या नीचे कर सकते हैं लाइट का। उसके अलावा ये साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, और ये इस गाड़ी में डिटेक्टिबल मिरर्स के कंट्रोल्स। उसके अलावा इस गाड़ी में पुश स्टार्ट आता है। इस गाड़ी में ट्रेडिशनल की नहीं आती, बल्कि आप इस गाड़ी में बैठकर ब्रेक पर रखेंगे और ये बटन दबाएंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। रियर पैसेंजर्स के लिए भी इस गाड़ी का रूम स्पेशियस है। मैंने ड्राइवर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ, स्टिल मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत लेगरूम बाकी है। उसके अलावा हेडरूम की बात की जाए, इस गाड़ी में हेडरूम भी सफिशिएंट है। अगर मेरे से कोई लंबा बंदा है तो उसको बैठने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इस गाड़ी के रियर डोर्स में भी दो स्पीकर्स आते हैं। बाकी सेंटर में हमारे पास यहाँ पर एक कप होल्डर दिया गया है। उसके बाद हमारे पीछे एक ये ड्रॉ टाइप जगह भी है। इस गाड़ी की रियर सीट्स भी फ्रंट सीट की तरह ही हैं, टू टोन में, ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ। उसके अलावा इस गाड़ी के यू नो डोर पैनल्स भी ठीक है फ्रंट डोर पैनल्स की तरह, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया गया है इस गाड़ी में, जो कि इसको थोड़ी चीप लुक देता है। उसके अलावा इस गाड़ी के ट्रंक में ट्रंक सेपरेटर भी नहीं आता। बाकी इस गाड़ी के सीट्स में सेंटर कंसोल नहीं आता, आर्मरेस्ट, लेकिन ये मोस्टली हैचबैक कार्स में नहीं होता। उसके अलावा ये ड्राइवर की सीट के पीछे हमारे पास यहाँ पर एक 3 kg तक वजन लटकाने का एक खुद दिया गया है, जिसमें आपको अपने बैग वगैरह लटका सकते हैं। उसके अलावा ड्राइवर की सीट के पीछे हमारे पास एक ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। इस गाड़ी में दो एडल्ट आसानी से बैठ सकते हैं पीछे, अगर तीसरा बैठना चाहे तो वो बैठ सकता है, लेकिन उतना ईजी नहीं होगा। बट इस गाड़ी में फ्लोर बेड यू नो फ्लैट है, तो वो बैठ सकता है, कोई इसको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी बैठने में। इस गाड़ी का फ्रंट काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स में प्रोजेक्शन लैंप आता है लो बीम लो लाइट के लिए, और बीम के लिए इस गाड़ी में एलिजन बल्ब आता है स्टैंडर्ड। ये एक्वा का एस वेरियंट है, तो इसमें फॉग लाइट स्टैंडर्ड नहीं आते। उसके अलावा इंडिकेटर इस गाड़ी के फॉग लाइट के ऊपर मौजूद हैं। फ्रंट पर टोयोटा का लोगो, और इसमें ये ब्लू लाइनिंग दी गई है, जो कि शो कराती है कि ये एक हाइब्रिड कार है। और ये एयर इनटेक की ग्रिल्स। एक्वा जब 2011 में लॉन्च हुई थी तो उसकी लाइट थोड़ी और तरह की थी। 2015 में इन लाइट्स को चेंज कर दिया गया था, और ये न्यू लाइट्स हैं एक्वा की। इसमें ये दो LED बार्स दिए गए हैं ब्रेक लैंप के लिए, और उसके अलावा इंडिकेटर भी इसमें काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। इस गाड़ी के फ्रंट और बैक बम्पर्स को भी चेंज किया गया था 2015 में। इस गाड़ी की रूफ पर एक स्पॉइलर दिया जाता है, जो कि इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक देता है। और ये शार्क फिन एंटीना। इस गाड़ी के ट्रंक पर एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया गया है, जिससे आप ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। और हैचबैक का होते हुए इस गाड़ी का ट्रंक ठीक है, आप इसमें लगेज बैग रख सकते हैं, बट ये कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। ट्रंक में एक लाइट दी गई है, और उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फोल्डेबल हैं। आप रेयर सीट को फोल्ड कर इस गाड़ी के ट्रंक को काफ़ी यूज बना सकते हैं। इसके अलावा एक्वा में भी स्पेयर टायर नहीं आता, बट नीचे वाली लिड को उठाकर आप टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। ये इस गाड़ी की है, बैक पर ये टोयोटा का लोगो, और फ्रंट पर ये दो सिंपल से बटन दिए गए हैं, लॉक और अनलॉक के। इस
इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री आती है। अगर आपकी गाड़ी लॉक भी है तो आप जिस गाड़ी के करीब जाएँ और गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद अनलॉक हो जाएगी विदाउट रिमोट। इसके अलावा गाड़ी के साइड मिरर्स भी स्मार्ट हैं, आप अगर गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये साइड मिरर्स के खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे ऐसे, और लॉक करेंगे तो लॉक हो जाएंगे। ये है इस गाड़ी का इंजन और ये है इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर जो कि इस गाड़ी के CVT गेट बॉक्स के ऊपर माउंटेड है। ये गाड़ी दो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, एक तो इंजन और दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में 1500cc इंजन आता है। अगर इस गाड़ी के इंजन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस गाड़ी में जो इंजन आता है वो है 1500cc हाइब्रिड 2ZR FXE इंजन जो कि 72 horsepower प्रोड्यूस करता है इटसेल्फ, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है इस गाड़ी की वो तकरीबन 63-64 horsepower प्रोड्यूस करती है। तो कंबाइंड एवरेज जो बनती है इन गाड़ी की कंबाइंड आउटपुट वो है तकरीबन 135 horsepower जो कि काफ़ी ह्यूज है एक हैचबैक गाड़ी के लिहाज से। इवन 18cc सिविक जो है उसकी भी हॉर्स पावर जो है वो 140 है, तो इस गाड़ी की हॉर्स पावर उस गाड़ी के बराबर बराबर ही है। तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इस गाड़ी का एक्सीलेटर रिस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक है। आप इस गाड़ी का एक्सीलेटर दें तो आपको एक दफ़ा पता लग जाएगा आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये गाड़ी होंडा फिट के कॉम्पिटिशन में निकाली गई थी, तो ये दोनों गाड़ियाँ, इन दोनों गाड़ियों की स्पेक्स भी आइडेंटिकल है और ओवरऑल ये दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट में बराबर बराबर ही हैं। ये गाड़ी आपको शहर में तकरीबन कम अज़ कम बिना 22-25 तक की एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, और अगर आप इस गाड़ी को स्मूथ चलाएंगे आराम से चलाएंगे तो ये गाड़ी आपकी 30-31 की एवरेज भी दे सकती है। टोयोटा इस गाड़ी की एवरेज जो क्लेम करता है वो है तकरीबन 35 km/L जो कि अचीवेबल है अगर आप इस गाड़ी को बहुत प्यार से चलाएं। पाकिस्तानी मार्केट में 25-30 की एवरेज एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओवरऑल ये काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है एक फैमिली के लिए, अगर आप 4 की फैमिली हैं तो आपके लिए गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये गाड़ी यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यू नो सूटेबल है इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, उसके अलावा इसकी लुक के लिहाज से। इस गाड़ी में स्टैंडर्ड टायर जो आता है उसका साइज़ है 172, 60 और 15। फिलहाल इस गाड़ी में गुडियर के टायर इंस्टॉल्ड हैं। इस गाड़ी में लॉरिम नहीं आता बल्कि इस गाड़ी में सिंपल रिम आते हैं विद व्हील कप्स। ये गाड़ी का स्टार्टअप इंजन पर और बैटरी पर ये गाड़ी बिल्कुल साउंडलेस है। पाकिस्तान में इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है तकरीबन 18 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द एवरेज एंड ग्रेड ऑफ द कार। स्पेशल थैंक्स टू 7 मोटर्स जिसकी वजह से ये रिव्यू पॉसिबल हुआ है। मुझे ये कार 7 मोटर्स ने प्रोवाइड की है जो कि बैरेटाउन फेयरवे टाउन 20 में लोकेटेड है। अगर आपके रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप एक एक्वा ओनर हैं तो आप बाकी एक्वा ओनर्स को जरूर गाइड कीजिएगा कि ये गाड़ी कैसी है और इस गाड़ी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।